यार आर आर सी ग्रुप डी है ना, 2019, सोचो यार 3 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। 2019 का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन है? NSEIT। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि रेलवे ने इसका टेंडर ही कैंसिल कर दिया है तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना, लेकिन बुरा लगना चाहिए। एक्चुअली NSEIT का रेलवे ने टेंडर को कैंसिल कर दिया है और फिर से सारा जो बिडिंग प्रोसेस होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो भी प्रोसेस होते हैं ऑफिशियल, जो भी प्रोसेस होते हैं, फिर से स्टार्ट होने वाला है। समझ सकते हो यार, इसमें टाइम तो लगेगा ही यार, दैट फॉर श्योर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। सो गाइज, ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होने वाला है। अगर तुम्हें देखना है कि यार मैं सही भी बोल रहा हूँ या नहीं, इंडियन रेलवे का एक ऑफिशियल वेबसाइट है IRTPS, राइट, उसमें तुम जाकर देख सकते हो। सर्च में जाओगे, सर्च टेंडर, देन कस्टम टेंडर, वहाँ पे जाकर तुम देख सकते हो ये चीज़ों को मेंशन किया गया है। सो गाइस, फिर से टेंडर होना मतलब क्या यार? यार अब ये 1-2 दिन का तो है नहीं ना कि 1-2 दिन में या 1 वीक में, हर चीज़, हर एक पैरामीटर पे, दोनों जो भी रेलवे और जो भी मान लो TCSE है या और भी जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, हर चीज़, एक चीज़ें अलाइन होगी तभी प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट। सो ऐसे TCS इज़ अ बिग एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, नो डाउट अबाउट इट। ऐसी बात नहीं है कि TCS में चीटिंग नहीं होती है, ऐसा कहना भी गलत होगा, TCS में भी होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू NSEIT, उसके उसके कंपेरिजन में तो TCS का रिकॉर्ड बेहतर ही है ना। तो कहने का मतलब ये है यार कि NSEIT का जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जिसका एग्ज़ाम देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था RRC ग्रुप डी 2019, उसको ये टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि यार रेलवे ने भी कहीं ना कहीं सोचा ही होगा यार, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50,000 बच्चों का एग्ज़ाम देना है, इट्स लाइक 1.15 करोड़, इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट। तो इतने में यार फिर से ऐसा कुछ हर दिन नाटक पता चलेगी, चीटिंग ही हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा सिरदर्द रेलवे को बन जाता। अब तो यार, अब तो ऐसे तो मुझे लगता है मोस्ट रेयरली यार TCS इतनी बड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को देखा जाए तो TCS ही कैपेबल है अभी इंडिया में देखा जाए तो। अभी इसके कंपैरिजन में, TCS के कंपैरिजन में कोई ऐसा मुझे तो नहीं दिख रहा है जो कि इतना ज़्यादा कैपेबल हो, इतने बच्चों को हैंडल करने में सक्षम हो, है ना। सो गाइस, लेकिन क्या मतलब एग्ज़ाम जो July 2022 को होना था, क्या हो पाएगा यार? सही बताओ तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यार जैसे मैंने बोला, हर चीज़ अलाइन होगी, हर चीज़ फाइनेंस, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें, हर एक पैरामीटर पे चीज़ें बैलेंस आउट होगी तभी चीज़ें किसी को भी टेंडर दिया जाएगा। तो उसमें यार इट विल टेक टाइम यार, टाइम तो लगेगा ही फॉर श्योर, राइट। सो जुलाई अगर हो जाता तो ठीक है, लेकिन यार सही बताऊँ तो बहुत मुश्किल लग रहा है ना। इट कुड बी लाइक कि अगस्त तक, मतलब अगर देखो यार, अगर प्रोसेस फास्ट हुआ तो ही, नहीं तो यार, क्योंकि जब भी यार ऑक्शन वक्शन होता है ये सब चीज़ें टाइम लग जाता है यार, अब तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हो वहाँ पे, वो अपना ही प्रोसेस चलता है यार, थोड़ा सा रेलवे का प्रोसेस भी स्लो है। थोड़ा तो टाइम लगेगा ही यार, और अगर जुलाई से हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा फिर से वही है यार,
मुश्किल लग रहा है सही बताऊं तो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बकवास कर दो, नहीं यार मतलब मुश्किल लग रहा है। एनीवे चलो, एटलीस्ट एन एस ई आई टी एग्ज़ाम ले रही है तो, नहीं ले रही है तो थोड़ा कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ही है, क्योंकि यार हर दिन पता चलता है कि एग्ज़ाम यहाँ चीटिंग हो रहा है, वहाँ चीटिंग हो रहा है, फिर से एग्ज़ाम, तो वो चीज़ें और भी फालतू में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। तो लेट्स सी हु इज़ वन टेक एग्ज़ाम, एंड जो भी एग्ज़ाम ले यार एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम होना ज़रूरी है, अदरवाइज क्योंकि बहुत बच्चे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, सो एक इनजस्टिस हो जाएगा ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यार 1:1 है यार, तो इतना भी आसान नहीं होगा इस बार फिर से यार। ऐसा तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में आसान नहीं होता है यार, कुछ भी ऐसा नहीं होता है ऐसा ये है कि, लेकिन यार अब जैसे कि यार जैसे 1.5 टाइम्स बंदे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक यार थोड़ा सा कम मार्क्स अभी ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब 1:1 है तो यू नो कट थ्रोट समझते हो ना, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब चीज़ें कम होंगी या कितना भी, मतलब 1:1 है यार, मतलब 10,000 मान लो 10,000 वैकेंसी है भाई, 10,000 बंदे को ही बुलाने हैं, चाहे वहाँ से तुम 50 लाख या 10 लाख बंदे क्यों ना भर दिए हो, तो 1:1 ही का रेशियो रहेगा राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एनीवेज गाइस, बात समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चले यार, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि NSEIT की तरफ से, यू नो NSEIT एग्ज़ाम अब नहीं एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, अब देखना होगा, मोस्ट प्रोबेबल यार फिर TCSE एग्ज़ाम कराने वाला है, समझ सकते हो। सो चलो यार, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक भी कर दो।